नोएडा में एक बिल्डर ने घर का सपना दिखाकर 400 निवेशकों से करोड़ों ऐंठ लिए। निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे, लेकिन आज तक ना प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना उस पर काम शुरू हुआ, पैसे वापस निवेशकों को मिले तक नहीं। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स ने लोगों को उनके सपने का आशियाना दिलाने का वादा किया था, लेकिन इस पर आरोप है कि वादे की आड़ में इसने जालसाजी कर निवेशकों से करोड़ों रुपए ठग लिए। सुनील राजपूत नाम के इस बिल्डर ने नोएडा एक्सटेंशन में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 400 निवेशकों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन सालों बीत जाने के बाद घर मिलना तो दूर, प्रोजेक्ट का काम तक शुरू नहीं हुआ। निवेशक बिल्डर के दफ्तर के चक्कर काटते रहे, पर उन्हें झूठे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हार कर उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ा। निवेशकों की शिकायत के बाद जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, जिसके बाद आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार किया गया। इसने करीब लोगों को 400-500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट दिखाया, जिसमें 400 निवेशकों ने करीब 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। उस 12 करोड़ को लेकर ये भागने की किया। अब रिकवरी के लिए इसकी जो अचल संपत्ति है उसकी खोज पुलिस द्वारा की जा रही है, और अगर वो पाया जाता है तो उसको सीज किया जाएगा और उसको भी जब्त करके कार्रवाई। वहीं आरोपी बिल्डर प्रोजेक्ट न शुरू हो पाने के लिए SP विधायक मुकेश शर्मा को जिम्मेदार बता रहा है। आरोपी का कहना है कि उसने विधायक से जमीन खरीदी थी, लेकिन उसे आज तक जमीन का पोजीशन ही नहीं मिल पाया। कुछ विवाद हुआ पेमेंट को लेकर, पेमेंट को लेकर जब विवाद हुआ, इन्होंने 145-46 करवाई भूखे से एक दिन के अंदर, जिसको लेकर हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने स्टेटस को दे दिया। स्टेटस को देने के बाद इन्होंने उसी बीच में सारी जमीनें बेची। किन्होंने बेची? अल्पाइन टाउन जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनकी कंपनी में। कौन सा नाम उनका? मुकेश शर्मा। और ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जमीनों के, और उसको मुझे कैसे दबाया जाए, कहाँ दबाया जाए, उसलिए मुझे कुछ क्लाइंटों के थ्रू इन्होंने परेशान करने के लिए मेरे खिलाफ। दूसरी तरफ आरोपी बिल्डर की गिरफ्तारी के बाद निवेशकों में थोड़ी उम्मीद जगी है कि शायद कानून के सहारे उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाए। मैंने जुलाई 2013 में बुकिंग की थी और इसने कहा था कि ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 की साइट पर वहाँ पे 2 नए टॉवर लॉन्च कर रहा है, जो उसने लेआउट प्लान दिखाया था, और वहाँ पर उसमें वो हमारे को फ्लैट की यूनिट अलॉट करेगा। और इसने जो मुझे R1101 फ्लैट की यूनिट दी थी उसके अगेंस्ट मैंने 20 लाख रुपए का चेक दिया था राजपूत प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर, सीए मेरा चेक है, और इसने उसके बदले में हमें 12 PDCs दी थी जिसमें अश्योर्ड रिटर्न का इसने हमें दिया था, और उसके वो चेक ऑलमोस्ट सब भी बाउंस हो गए। दिल्ली NCR में निवेशकों से धोखाधड़ी का यह इकलौता मामला नहीं है। जालसाजी के ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां बिल्डरों की जालसाजी का खामियाजा आम निवेशकों को अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई खोकर चुकाना पड़ता है। लोगों को आशियाने का सपना दिखाकर ठगने वाले एक बिल्डर को नोएडा क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बिल्डर का आरोप है कि सपा के कुछ विधायकों की जालसाजी के चलते उसको गिरफ्तार किया गया है, मगर सवाल ये है कि अब उन निवेशकों का पैसा कब तक वापस मिल पाएगा जिन्होंने अपने सपने के आशियाने का सपना देखकर यहां पर अपना पैसा निवेश किया था। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। बंद करो धोखे का कारोबार। भौतिकवाद का दौर है, कमर्शियलाइजेशन का दौर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्राहकों को ठक लीजिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी संभालते हैं। एजुकेशन महंगा है, लाइफस्टाइल महंगा, और उसके बाद घर का खर्च। आपको बताएं, किसी बिल्डर के पास आप जाइए और आप बोलिए 2 BHK या 1 BHK हमें लेना है या इन्वेस्ट करना है, पूरा टोटल करेगा 50-60-80-90 लाख प्लस टैक्सेस, और लोग जैसे तैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, 0120-25-11-063, 1800-1801-525, ये हमारे नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। पहले दर्शक राजकुमार इलाहाबाद के कॉलर, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ जी, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैंने इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्लॉट लिया, 2005 में रजिस्ट्री कराई है। हाँ जी 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 बताइए। 2005 में रजिस्ट्री कराई है और मुझे पोजेशन आज तक इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं दे रहा है, और उस पर जो अनऑथराइज पर्सन कब्जा कर रखा हुआ है उसको जो है इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको कह रहा है कि आप उसको पोजेशन दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं अनइक्वायर्ड लैंड है, जबकि मेरे पास फुल प्रूफ है
कि वो एक्वायर्ड लैंड है और वो आराधी संख्या 350 में है, 356 में है, और वो जमीन 355 में खरीद के अनऑथराइज तरीके से मेरे प्लॉट पे कब्जा कर रखा हुआ है, जिसे इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी तरीके से उसका फेवर कर रहे हैं। अच्छा। और मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूँ। तो क्या सलाह देंगे आप बाकी निवेशकों को या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स? मैं तो मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब ये सिर्फ प्राइवेट बिल्डर हैं, जब गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही लोगों को धोखा दे रही है, जो इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी इलाहाबाद की है, और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ लगभग 500 ऐसे प्लॉट होल्डर हैं जिनको जिन्होंने पूरा पैसा दे रखा है। बिल्कुल, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट अंडरटेकिंग, इस तरीके से जालसाजी कर रही है। कहीं पर भूमि पूजन की बात करते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं, लेकिन होता क्या है वो सबके सामने है। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए लेखपाल। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, झांसी के कॉलर, अपनी राय रखें। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि झांसी में भी इसी तरीके से कॉलोनाइजर्स यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मैंने भी इसी तरीके से एक फ्लैट बुक करवाया था। अच्छा। झांसी में ही नालंदा बिल्डर्स के नाम से, जो आगरा के बिल्डर्स हैं, और झांसी में 2009 में बुकिंग करवाया था और 2010 में रजिस्ट्री करवाया उन्होंने, और 10 में रजिस्ट्री करवाने के बाद अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। और इस तरीके से चीटिंग हर जगह पूरे मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के आप ऑल इंडिया में चल रही होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। कस्टमर के पास विकल्प क्या है ऐसे में? हम लोग परेशान हैं, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। वो कहते हैं जब भी मिलो, कहते हैं 5 दिन बाद दे दो। बिल्कुल, आपके माध्यम से हम जगह जगह क्षेत्र के हाल बता रहे, मेट्रो सिटीज नहीं बल्कि कुछ विकसित टाउन्स का ये सच आप बता रहे हैं। दर्शक बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। नोएडा की बात कर लेते हैं, श्याम अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कितनी दिक्कत इन्वेस्टर्स को आ रही है श्याम? मैं श्याम द्विवेदी बोल रहा था, इधर न्यू अशोक नगर में रहता हूँ। अच्छा। और ये अपना सुपर टेक 2 में मैंने 2010 में बुक कराया था। और मेरे से 10% करीब ली गई थी, पेमेंट ली गई थी भाई, चेक वगैरह। अच्छा। और इसके बाद ये अपना किसानों का हंगामा हो गया था, ठीक है, जबकि अरोड़ा साहब ने जो MD थे उन्होंने भरोसा दिया था कि कुछ भी होगा हम या तो पैसा वापस करेंगे या तो हम आपको मकान देंगे। अच्छा। बट मेरे को मकान तो चाहिए नहीं, मेरे को तो मकान चाहिए, पैसा तो चाहिए नहीं। टालमटोल करते रहे मतलब बिल्कुल। और वही पैसा अगर मान लीजिए जैसे तैसे मिला और दूसरी जगह आप इन्वेस्ट करेंगे तो रेट और महंगे बढ़ा के दे देंगे, कस्टमर पूरा ब्लैंक हो जाता है एट द एंड ऑफ डे। तो जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद राजपूत बिल्डर के प्रोजेक्ट में हम सिर्फ एक बिल्डर की बात नहीं करें, हम हर जगह के बिल्डर्स की बात करें, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन के इस दौर पर इन्वेस्टर्स और कस्टमर किस तरीके से औंधे मुंह गिर रहे उसकी बात भी कर रहे हैं। राजपूत बिल्डर्स की बात करें, इसके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वाले कई निवेशक अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, उनसे बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी ने। निवेशकों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाला बिल्डर की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद जो निवेशक हैं उन्होंने थाने की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। ये वो निवेशक हैं जिन लोगों ने इस राजपूत बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपने सपने के आसियाने का सपना देखा था। इन्हीं से जानते हैं मैम, किस तरीके का बयान बिल्डर द्वारा दिया जाता था? हमेशा कि मेरे पैसे आने वाले हैं, मैं आपको थोड़े दिन में दे दूंगा और मेरे मकान बनने वाले हैं, अगर ये नहीं बने तो मैं कहीं और दूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। हम चक्कर पे चक्कर काटते रह गए, अंत में हमने कानून व्यवस्था का सहारा लिया जब हमें लगा ये व्यक्ति विशेष हमें सिर्फ घुमा रहा है, और हमें नहीं हमारे जैसे सब लोगों को, हमारी हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मेहनत की कमाई है, और ये आराम से बैठ के उसमें ऑफिस के खर्चे अफोर्ड करता था, अपनी पूरी ऐश करता था, गाड़ी में आना जाना, रोज चक्कर कटवाना, इन मेटेरियल की मेरे हस्बैंड ऑफिस से छुट्टी लेके आ रहे हैं या मैं स्कूल से छुट्टी लेके आ रही हूँ। सर किस तरीके की उम्मीद है पुलिस से आपको? आपका पैसा तो फंस गया। हाँ देखिए, पुलिस के पास जब हम लोग आए FIR लॉन्च हुआ थोड़ी दिक्कत हो रही थी, हाँ, लेकिन SSP श्री प्रतेंद्र सिंह जी के माध्यम से हम लोग जब अप्रोच किया तो उसमें यह हुआ, इस बीच में उन्होंने ब्रजेश कुमार सिंह SP देहात जो नोएडा के हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। इस तरह से मैं देखता हूं कि ऊपर के अधिकारियों की काफी सपोर्ट मिली और उनके आदेश से यहां FIR दर्ज हुआ सेक्टर 58 थाने में, और आज हालत ये है कि अभी जो कल्प्रिट है उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है हम लोगों के साथ, हाँ, और आज वो पकड़ा गया है। उम्मीद है कि पुलिस अपनी जो है आगे की कार्रवाई जो है मुस्तैदी से ईमानदारी से करेगी। सर क्या लगता है आपको, पैसा मिल पाएगा वापस? अब ऐसा है कि पुलिस कार्रवाई जो कर रही है, बाकी पुलिस का उम्मीद बहुत कम है,
क्योंकि वो ऐसा है कि पुलिस को भी कुछ खिलाने पिलाने में लगा रहता है, हर एक को मतलब कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, पैसे अपना अपना देता रहता है। तो इसलिए हमें उम्मीद है तो कोर्ट से या उम्मीद है कि हमें कुछ मिल जाएंगे। बाकी कितने दिन से आप लोग चक्कर लगाने का प्रोजेक्ट में अपना पैसा आपने दिया था? हमें 3 साल पहले हम लोगों ने जो है प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, और इस बात को आप समझ लीजिएगा कि शायद 1000 टाइम हम लोगों के पास इसके बाद चक्कर लगा चुके हैं। डेली सुबह शाम आना जाना रहता था कि भाई ये हमारे पैसे दे दो। हम लोगों ने रिफंड क्लेम भी जो है लगा दिया था, उसके बाद ये रोज झूठा जो आश्वासन देता था कि मेरे पास पैसे आने वाले हैं, फलाने के पैसे, और उसके पास आए भी पैसे। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में इसके पास पैसे नहीं आए, विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता लगता रहा कि इसके पास दूसरे इन्वेस्टर्स या जो लोग दूसरी स्कीमों में पैसे ये लगाता था उसके पास इसे पैसे आते रहते थे, लेकिन इसने अभी हमारे एक पैसा भी नहीं दिया और हमको जो है जबरदस्ती जो है ये झूठे आश्वासन देता रहा। सर, कितने लोग होंगे ऐसे जो इस बिल्डर के इस जाल में फंसे हैं? मेरे हिसाब से जो टोटल लोग हैं 400 लोगों ने इस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराए थे, जिसमें से अनुमान है कि करीब 60-70 लोगों का पैसा इसने रिफंड कर दिया है, तो करीब अभी भी 300 से 325 लोग फंसे हुए हैं। और हम लोग कंटिन्यूसली आपस में टच में हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों का पैसा निकले। ये वो निवेशक हैं जो अपने सपने का आशियाना देखकर राजपूत बिल्डर के यहाँ अपनी कड़ी मेहनत की कमाई इन लोगों ने दी। अब देखना ये होगा कि इन लोगों को कितनी राहत पुलिस दे पाती है और इनका फंसा हुआ पैसा कब तक मिल पाता है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। ओके का कारोबार ये सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं है। दर्शक अपनी राय दे रहे और विकसित जो विकास के पैमाने पर जरा सा भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल वाली सिटीज लगती है वहां के हाल भी हम बता रहे हैं। मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कमोवेश मेट्रोपॉलिटन सिटीज का क्या हाल है वो आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों निवेशकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को कड़ी फटकार लगाई थी। हम नोएडा के सेक्टर 93 की बात कर रहे हैं। एमराल्ड कोर्ट कैंपस के अवैध निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए सुपरटेक बिल्डर को निवेशकों को पूरे पैसे वापस लौटाने का आदेश दिया था। 30 अगस्त तक की डेडलाइन और इंटरेस्ट के साथ आप 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को फटकार लगाते हुए कहा कि निवेशकों के खून पसीने की कमाई उन्हें वापस दी जाए। इस मामले में 53 लोगों ने रिफंड की भी मांग की है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्डर फ्लैट खरीदारों का पैसा कहीं दूसरी जगह नहीं लगा सकते, लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई से घर खरीदना चाहते हैं, मुकदमे नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का टेक था। ऐसे में जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लगाते चले जा रहे कोर्ट के चक्कर, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए। सवाल है पैसा बचा नहीं है। सुरेंद्र, अगले दर्शक अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते, आपका एक्सपीरियंस क्या है? हाँ जी, मैं मुझे फर्नगर से बोल रहा हूँ मैडम। मैडम, हमारे यहाँ भी इसी तरह की धोखाधड़ी का कारोबार चल रहा है। मैडम, हमारे जो मुजफ्फरनगर में मेन जो नेशनल ये राज्य खटीमा मार्ग है, उस पे एक कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जामसेट अड्डे के पास। मैडम, उन्होंने जब प्लॉटिंग की वहाँ तब तो ये कहा थे एमडीए से पास करा चुके हैं, उसमें उन्होंने सड़कें बना दी और सड़कें बना के तार खींच दिए, पानी की पाइपलाइन दे दी, लेकिन मैडम उसमें ना तो ट्रांसफार्मर है जी। और मैडम उन्होंने पिछली साइड कॉलोनी में तकरीबन 1000 मीटर का नक्शा पास करा के बाकी प्लॉट बगैर नक्शा पास कराए हुए काट दिए। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। धन्यवाद सुरेंद्र अपने क्षेत्र का हाल बताने के लिए और आपके माध्यम से आपके क्षेत्र के और लोग भी जागरूक हो जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई मामले सामने आए जहां बिल्डर्स नियम कानून को ताक पर रखकर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, निवेशकों की को अंधेरे में रखकर उनसे पैसे ऐट लिए, लेकिन घर देने के नाम पर उनसे सालों का इंतजार करवाया उन्हें। बिल्डर अथॉरिटी के गठजोड़ का खामियाजा आम निवेशकों को उठाना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, जहां पतवाड़ी गांव के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद करीब 27,000 निवेशकों के घर का सपना टूटने की कगार पर है। हाईकोर्ट ने पतवाड़ी गांव की जमीन किसानों को वापस करने का आदेश दिया है, जिसके बाद से यहां के निवेशक बेहद घबराए हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इकलौता ही मामला नहीं है, पूरा इलाका सालों से विवाद का केंद्र रहा है। नोएडा एक्सटेंशन जो अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना जाता है, यहां 2009 में ही कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, निवेशकों से पैसे लिए गए, लेकिन उसके बाद किसान बिल्डरों के बीच चल रहे कोर्ट केस में बेचारे निवेशक फंस गए। 5 साल बीतने को हैं, लेकिन आज भी यहां एक प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है। विनोद, दिल्ली के कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, अब नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जागरूक रहना चाहिए? जी
जी जी बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये हमारे साथ बहुत ही ज्यादा ये धोखा किया गया है। मैंने एरिविल ग्रुप से मैंने और मेरे फ्रेंड ने फूड कोर्ट में 5 शॉप्स बुक कराई थी, तो इनका एसयूटी हमारे पास आया था, उन्होंने जो भी प्लान बताया था तो और जो भी लेआउट उन्होंने दिए थे हमें, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जिसमें कि सिर्फ 4 या 5 शॉप्स थी और उन्होंने रेट भी बहुत कम बताए और 50% का पेमेंट ले ली। तो जब हम उनके पास गए कि अब हमें एग्रीमेंट कराइए, तो उन्होंने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव थे वो धोखा करके गए हैं आपके, हमने उनको नौकरी से निकाल दिया है और ये बिल्कुल भी नहीं है, ये असल में ये पेमेंट आपको ये रेट नहीं है, ये रेट लगेगा और असल में ये, उन्होंने बिल्कुल सारा ही पलट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर एकदम ब्लैंक फील करता है और हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, हम बता रहे अस्पताल तक जाने की नौबत हो गई, इतना ये पूरा मामला ऐसे बढ़ा है। अगले दर्शक सचिन है, सहारनपुर के कॉलर है, अपने आप एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। सचिन आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम मिल रही है, बताइए। हाँ मैम, ये एक बिजनेस बना लिया है लोगों ने सहारनपुर में, ऐसी कई जगह आप देख सकते हैं, वो फाइनेंस के लिए भी कहते हैं सब चीजें, एडवांस में पैसे ले रखे हैं, पर कहीं कुछ नहीं, बाद में बहुत सारे लोगों को ऐसा झेलना पड़ रहा है। अच्छा, धन्यवाद सहारनपुर की तस्वीर हमें बताने के लिए इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो धोखे का कारोबार बंद होना चाहिए, कोर्ट का कोई रुक करे ठीक, न्याय मिलेगा, जस्टिस डिलेड है, जस्टिस डिनाइड नहीं है, लेकिन ये जो पूरा मामला है उससे पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई तो लग गई, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटे, वैसे ही आम आदमी मायूस हो जाता है और इस तरीके के केसेस पे कोई लगाम नहीं लग रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन कार्यक्रम में बातें जो हमने बोली है वो एक नेगेटिव बातें नहीं है, ना हम सैडिस्टिक बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अलर्ट जरूर कर रहे हैं कि आप निवेश करिए, बहुत सोच समझ कर करिए, एक एक बैकग्राउंडर पता करिए ताकि आपको आपके सपनों का घर मिले। भाई 100-100 रुपए, एक एक रुपए भी आपने कीमत से कमाया है। जी संगम का मकसद आपसे जुड़ा है ताकि आप खुश रहें और घर का सपना आपका सच हो। इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम से अलविदा लेते हैं।